कुछ ही दिनों पहले मैं एक 10 साल के बच्चे से मिला। वो रास्ते पर ही गड्ढा खोद रहा था। मैंने उसे यूं ही पूछ लिया कि ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो, कोई रास्ते से आने जाने वाला गिर सकता है और शायद उसे चोट भी लग जाए। पर उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसने मुझे एक गहरे सोच में डाल दिया। उसने कहा, भैया आज स्कूल में टीचर ने हमें पढ़ाया कि हमारी अर्थ यानी पृथ्वी गोल है और इंडिया के ठीक पीछे अमेरिका आता है। बस इसीलिए मैं ये टनल खोद रहा हूँ जिससे मैं कूद कर सीधा अमेरिका निकल जाऊंगा और घूम घाम कर शाम तक वापस लौट आऊंगा। उस वक्त मैंने सोचा कि ये बच्चा अभी तो नासमझ है, पर इसी नादानी ने मुझसे ये एक बहुत बड़ी बात कह दी। बात तो बिल्कुल चौंका देने वाली थी। उस बच्चे ने मुझे रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया, एक थॉट एक्सपेरिमेंट पर, कि ऐसा कुछ कर पाना मुमकिन है भी कि नहीं, आज नहीं तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए। क्या सच में कोई टनल हमें पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जा सकती है? आखिर पृथ्वी के कितने गहराई तक खोदा जा सकता है? और बिल्कुल यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि हम आखिर हमारे प्लैनेट यानी पृथ्वी के बारे में कितना जानते हैं। ये सच्चाई है कि कई सारे लोगों ने जाने अनजाने में पृथ्वी के अंदर जाने की कोशिश की है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अक्सर देखते हैं कि लाशों को सिर्फ जलाया ही नहीं जाता बल्कि दफनाया भी जाता है और उन्हें दफनाने के लिए जमीन के अंदर 6 फीट तक का गड्ढा खोदा जाता है और ये प्रथा हजारों सालों से चलती आ रही है। इतिहास में कई वाक्याएं ऐसे भी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि राजाओं को जमीन के 13 फीट नीचे दफनाया जाता था ताकि उनका शरीर ज्यादा दिनों तक सलामत रह सके। वेल, ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे गहरा स्टेशन जो सतह से 105 मीटर नीचे है वो यूक्रेन देश में है? अच्छा, चांस है कि नहीं पता होगा, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। इंसानों द्वारा बनाई गई रचनाओं में से एक जापान की सीकन रेलवे टनल है जो पृथ्वी के सतह से 240 मीटर नीचे है। इसके अलावा नॉर्वे में भी 287 मीटर नीचे अंडरग्राउंड रोड टनल्स बनाए गए हैं। ये सब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से ही मुमकिन हो पाया है, पर एक्चुअली में 1862 में भी इंसानों ने हाथ से एक कुआं खोदा था वुडिंगडीन नाम के इंग्लैंड के एक जगह में, जिसकी गहराई 390 मीटर है और वो आज भी मौजूद है। इतनी गहराई में तो समुद्री सबमरीन तैरते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा गहराई में है दुनिया की सबसे गहरी गुफा व्रेटोग्लाविका केव जो स्लोवेनिया देश में है। इसकी गहराई जमीनी सतह से 603 मीटर नीचे है। ये इतनी गहरी गुफा है कि अगर आपने इसके अंदर छलांग भी मार दिया तो आपको नीचे इसके सतह में पहुंचने के लिए 11 सेकंड लगेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के यूटा स्टेट में 970 मीटर गहरी एक घाटी है जिसमें बुर्ज खलीफा जैसी एक बिल्डिंग आसानी से फिट हो सकती है। इसका नाम है केनिकॉट कॉपर माइन और जैसे इसके नाम से ही पता चलता है यहाँ पे रेयर किस्म के कॉपर कंपाउंड्स की खोज होती है। ये गहरा जरूर है लेकिन फिर भी ये 4 किलोमीटर चौड़ा है और इसीलिए आपके सर के ऊपर फिर भी सूरज मौजूद होगा। इंटरेस्टिंग राइट? पर ये तो कुछ भी नहीं। क्या आपको पता है फिनलैंड में एक म्यूजिकल बैंड एगोनाइजर ने सतह से लगभग 1410 मीटर नीचे म्यूजिकल कॉन्सर्ट किए थे? जी हाँ फ्रेंड्स, 1.5 किलोमीटर की गहराई में। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि हम काफी गहराई में आ गए हैं तो अफ्रीका में एक 4000 मीटर गहरा माइन है जिसकी गहराई तक आपको लिफ्ट से पहुंचने में 5 मिनट लग जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान सिर्फ इतनी ही गहराई तक पहुंच पाया है, बिल्कुल नहीं, इंसान और भी आगे तक पहुंच पाया है। आपने एवेटार और टाइटैनिक जरूर देखी होगी। इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन पैसिफिक महासागर के सतह से 10908 मीटर नीचे जाकर आ चुके हैं और ये पैसिफिक महासागर का अब तक मेजर किया गया सबसे डीपेस्ट पार्ट है। इसके आगे जाने की हिम्मत आज तक कोई भी इंसान नहीं कर पाया है। इतनी गहराई में टेम्परेचर और प्रेशर इतना होता है कि इंसान किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बगैर वहाँ जिंदा ही नहीं रह सकता। पर फिर भी सोवियत यूनियन ने रशिया में 12,262 मीटर गहरा एक बोर होल खोदा था जो टेक्नोलॉजी के जरिए इतना नीचे तक खोदा जा सका कि टेम्परेचर 180 डिग्री तक पहुँच गए और उन्हें काम बीच में ही रोकना पड़ गया। लेकिन इससे भी आगे हाल ही में एक और तेल का कुआं रशिया में खोदा गया है जिसकी गहराई 12,376 मीटर है। इस कुएं को Z-44 शाइवो नाम दिया गया है, पर इसके आगे इंसान अभी तक किसी भी तरीके से पहुंच नहीं पाया है। आपको ये सुनकर शायद शॉक लगे, पर ये गहराई हमारे प्लेन्स द्वारा उड़े जाने वाली ऊंचाई से भी बहुत नीचे है। पर फ्रेंड्स, ये
तो बस 1% है पृथ्वी के डायमीटर का। अगर आपको पृथ्वी के दूसरे सतह पर निकलना है तो आपको 12,742 किलोमीटर का फासला तय करना होगा, जो लगभग नामुमकिन है। और हाँ, क्रस्ट यानी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर होती है वो अकेले ही 70 किलोमीटर गहरी है। हमारी पृथ्वी का सेंटर बिल्कुल 6,371 किलोमीटर की गहराई में बसा हुआ है, और इतनी गहराई तक अगर हम कोई भी गड्ढा बना सके तो ऊपरी सतह से गिरने पर हमें पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का समय लग जाएगा। हम आज की टेक्नोलॉजी से इतनी गहराइयों तक आखिर पहुंच ही नहीं सकते। इंसान हमेशा पृथ्वी के और अंदर जाने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि हमारे इस प्लैनेट के अंदर ऐसी चीजें हैं जैसे कि तेल, नेचुरल गैस और मेटल्स, जिनकी हमें हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, पर इन तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। शायद इंसान भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना सके जो हमें पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचा पाए एक कंट्रोल तरीके से, और हमें कई सारे रहस्यों से पर्दाफाश करने में मदद कर सके, पर ये तो वक्त ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आपको लगता है कि इंसान 12.5 किलोमीटर की गहराई से भी ज्यादा गहरा जा पाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना हमें।